हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम और उसके साथ में उससे संबंधित कुछ और प्रश्न। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आधुनिक आवर्त नियम। तो बच्चों, जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक से मतलब बच्चों जो आज का जो नियम चल रहा है, जो आवर्त सारणी से संबंधित, उस नियम को आज हम समझेंगे। इस नियम को बच्चों हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले उन्होंने 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज की और उसके 2 साल बाद 1913 में बच्चों उन्होंने इस आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादित किया। इसके बाद बच्चों, तो सही बच्चे इसका प्रश्न बनाएंगे, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी विशेषताएं, या ऐसे लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं एवं दोष लिखिए। तो बच्चों, आधुनिक आवर्त जो नियम है, आप पिछली कक्षा में भी पढ़कर आए हैं 10वीं क्लास में, और इसको 11वीं क्लास में भी पढ़ेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधुनिक आवर्त नियम है। जो पिछला हो गया उसको मान्यता कम रहती है बच्चों, जो आगे आ गया उसको ज़्यादा। तो बच्चों, ये उसी को संशोधन करके जो है ये नियम दिया गया, जो बाकी परिचय बच्चों हम आपको बता ही चुके हैं। 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज की, इसके बाद 1913 में उन्होंने इस आधुनिक आवर्त नियम को दिया। और उन्होंने क्या नियम दिया बच्चों, तो आपको ये प्रश्न एक अलग से ये भी बन सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हेनरी मोसले ने क्या संशोधन किया। बच्चों, हेनरी मोसले साइंटिस्ट का नाम हेनरी मोसले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो इन्होंने क्या संशोधन किया था बच्चों, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने परमाणु भार के स्थान पर क्या कर दिया, परमाणु क्रमांक कर दिया। इन्होंने ये दिमाग लगाया कि ना परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर बीच में नाभिक होता है। नाभिक में बच्चों उनको पता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इन दोनों का योग क्या होता है, परमाणु भार। और इलेक्ट्रॉन इधर बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ना कि नाभिक। तो यहाँ पर नाभिक का मतलब कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से मतलब होता है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस नियम को बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अंदर प्रोटोन होते हैं, और प्रोटोन जितने होते हैं उतने उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो बच्चों, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस परमाणु क्रमांक का अंदाजा लगाया और इसी के आधार पर उन्होंने नियम दे दिया। और जो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था बच्चों, उसमें उन्होंने सुधार कर दिया। उन्होंने जो मेंडलीव ने नियम दिया था वो दिया था परमाणु भार को आधार मानकर, इन्होंने उसको क्या कर दिया, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो बाकी नियम बच्चों वही है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो सभी हेडिंग डालेंगे आधुनिक आवर्त नियम और इसमें लिखेंगे सभी ने हेडना ली हुई, इसमें लिखेंगे सभी इस नियम को हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था, या रसायनिक भी लिख सकते हैं, रसायनिक ने दिया था सन 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज, सन 1911 में परमाणु क्रमांक की खोज की। और इसी के आधार पर सन 1913 में आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया इस नियम के अनुसार डैश लगा के इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे बच्चों इस लाइन को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको अच्छे से याद रखना है। आपको हो सकता है 10वीं की भी याद हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार और लिख लीजिए सभी। तो लिखेंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इनका मतलब ये है, कुछ निश्चित अंतराल के बाद उनके जो तत्व होते हैं उनमें उनके गुणों में एक फिर से पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक आपने देखा होगा कि अगर हम पहले ब्लॉक की बात करें, पहले समूह की बात करें अभी, तो पहला हाइड्रोजन है तत्व, दूसरा लिथियम है, फिर सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है। अगर हम इनका विन्यास देखें बच्चों, तो 1s1 इसका 1s2, 1s2 और 2s1 इसका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो बच्चों आप देख रहे हैं सबकी एस में कक्षक में इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें एस, इसमें भी एस में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एस में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जो है उनमें एक निश्चित एक दूसरे से संबंध रहते हैं और एक गुणों में जो है पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब इनके जो गुण होंगे और भौतिक और रासायनिक गुण वो एक जैसे होंगे लगभग। तो इस आधार पर उन्होंने जो है इस नियम को बनाया, लिखेंगे इसके, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मेन लाइन बच्चों यही है इसके नियम की,
जो दो लाइन हमने लिखी, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद बच्चों हेडन डालेंगे सभी आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं निम्न है, नंबर एक और नंबर एक करके सभी लिखेंगे, सभी बच्चों पहला पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों अभी हमने आपको बताया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये जो नियम दिया गया था, तो इसका पहला पॉइंट बच्चों यही बनेगा, यह आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। पहली विशेषता क्या है बच्चों इसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों जो हमने आपा नियम से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे थे उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कभी भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता तो आपको वही आपा नियम वाले जो हमने बताए थे वो लिखना रहते हैं। ठीक, तो पहली विशेषता क्या हुई, यह सारणी यह आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें धातु और अधातुओं को, इसमें धातु और अधातु, इसमें धातु और अधातु या अधातुओं को पृथक कर दिया गया है। तो बच्चों जब आप आवर्त सारणी देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें जो धातु और अधातु हैं उनको जो है पृथक कर दिया गया है, धातु अलग रखी गई हैं और जो अधातु हैं उनको अलग रखा गया है। बच्चों धातु आवर्त सारणी हमने आपको बताई थी कुछ इस तरह से है, ऐसी कुछ आवर्त सारणी उनकी बनी हुई है इस प्रकार से। ऐसी आवर्त सारणी बनी हुई है बच्चों कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, और नीचे दो लाइन एच ब्लॉक की हैं। ठीक, अभी आगे पढ़ेंगे कि चार ब्लॉकों में आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो तत्व हैं वो हैं आपके क्या, धातुएं, और यहाँ पे बच्चों इस तरफ रखे गए हैं अधातुओं को। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनको जो है धातु और अधातुओं में, यहाँ पे भी कुछ धातुएं हैं क्षारीय धातु और यहाँ पे क्षारीय संक्रमण धातुएं, ठीक, मिक्स भी है कुछ, तो एक तरह से अलग अलग भी बांटा गया है। ठीक, तो धातु धातुओं को यहाँ पे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट बनेगा, यहाँ पर संक्रमण, संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से, संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग कर दिया गया है या अलग रखा गया है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अलग रखा गया है ये कह सकते हो। यहाँ पे जो हमने धातु लिखा है यहाँ पर संक्रमण तत्व भी होते हैं जो कि बाकी तत्वों से अलग रखे गए हैं जो कि डी ब्लॉक में है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन कोबाल्ट एवं निकल, आयरन कोबाल्ट एवं निकल को संक्रमण तत्वों के साथ रखा गया है। बच्चों इनको यहाँ पर संक्रमण तत्वों के साथ रखा गया है, आगे लिखेंगे, जो कि इनका उचित स्थान है, जो कि इनका उचित स्थान है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, ये जो एप्लॉग के तत्व इनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, तो इनको जो है आवर्षानी से जो अलग रखा गया है, तो यहाँ पर भी इनका जो है स्थान जो है सही है और उचित है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे कि दुर्लभ मृदा तत्वों को, दुर्लभ मृदा तत्वों को, दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान पर, दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान पर मुख्य आवर्त सारणी, मुख्य आवर्त सारणी ये है बच्चों, तो आगे लिखेंगे मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है, मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है, ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर, तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्वों को, समस्त तत्वों को एस पी डी एवं एफ ब्लॉक में, एस पी डी एफ ब्लॉक में विभाजित किया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस आधार पर, किस में भराएंगे सबसे पहले, उस आधार पर जो है इनको एस पी डी एफ में बांटा गया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भराते हैं, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भराते जाते हैं। तो ये थी कुछ इनकी जो विशेषताएं आधुनिक आवर्त सारणी की। हम ये भी लिख सकते थे कि 118 तत्व, मतलब तो 118 तत्वों को चार ब्लॉक एस पी डी एफ में बांटा गया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर किया गया है। लेंथिना रेक्टिना तत्व जो हमने अभी दुर्लभ मृदा तत्व बोले, ये लेंथिना रेक्टिना भी बोलते हैं, ये भी लिख सकते थे कि लेंथिना रेक्टिना तत्वों को अलग से आवर्त सारणी से रखा गया है बाहर। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे जो
एल की जो विशेषताएं थी वो कंप्लीट हो चुकी, इतनी आपको कम से कम याद रखना है जो महत्वपूर्ण थी। इसके बाद बच्चों अब हमारा आता है इनके दोष। इस अवसारणी में बच्चों आपने पहले ही बताया आपको कि जिसकी अच्छाएं होंगी उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ बुराइयां ना हो। तो हेडिंग डालेंगे सभी आधुनिक अवसारणी के दोष या सीमा, इन्हीं को दोष बोलेंगे, इन्हीं को क्या बोलेंगे, सीमाएं बोलेंगे या कमियां बोलेंगे। ठीक, तो सभी हेडिंग बनाएंगे आधुनिक अवसारणी की विशेषता दोष, और पहला पॉइंट लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहली विशेषता दोष हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान बच्चों मेंडल की अवसारणी में भी था और यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन का जो स्थान है वो। तो हाइड्रोजन का स्थान बच्चों जो आधुनिक अवसारणी है उसमें भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जो हाइड्रोजन है बच्चों वह सातवें समूह से भी क्या करता है, समानता दर्शाता, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये सातवें समूह की संयोजकता भी एक होती है और इसकी संयोजकता भी एक होती है। ये जो है एक जैसे गुण दर्शाते हैं सातवें समूह के तत्व और पहले समूह के। ठीक, इसके अलावा बच्चों दूसरी जो इनका दोष है वो ये है कि हीलियम जो है वह एस ब्लॉक का तत्व है, जबकि इसको पी ब्लॉक में रखा गया। जब आप आवर्षणी देखेंगे तो बच्चों पी ब्लॉक की तरफ जो डिपार्टमेंट है, भाग है, विभाग है, उसमें इसको रखा गया, क्योंकि जब हीलियम का प्रमाण क्रमांक लिखते हैं बच्चों तो इस प्रकार से इसका क्रमांक है दो, जब इलेक्ट्रॉन में भरते हैं तो वन एस टू, तो एस में जब इलेक्ट्रॉन जाता तो एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, जब पी में रखा गया तो एक विशेष गलती इसकी ये हो गई, एक बुराई। ठीक, इसके अलावा जो आयरन कोबाल्ट निकल है इनको आठवें समूह में एक साथ रखा गया है, इनको परिग्रत नहीं किया गया। और चौथा इनका ये हो जाएगा बच्चों कि जो लेंथेनर एक्टिनर तत्व है उनको अवसारणी से बाहर रख दिया गया, जो कि सही नहीं है। अवसारणी बच्चों अपनी जो थी उसी में स्थान देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया उसको अलग अलग रख दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो ये इनके कुछ दोष हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे सभी, आधुनिक अवसारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा गया है, किंतु यह सातवें समूह के तत्वों के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है, दूसरी पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दूसरा दोष हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, ऐसे लिखेंगे एस ब्लॉक का तत्व है किंतु इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है किंतु इसे पी ब्लॉक में रखा गया है, दूसरा हो गया। तीसरा दोष लिखेंगे बच्चों, एस एवं पी ब्लॉक तत्वों के मध्य, एस एवं पी ब्लॉक तत्वों के मध्य डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है, जो कि सही नहीं है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखेंगे लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जो कि सही नहीं है। और नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों इसका जो पॉइंट हमने बताया था, आठवें समूह में तीन तीन तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक और, कई धातु अधातु एवं उपधातु को एक साथ रखा गया है, जो कि सही नहीं है। अब जो धातु अधातु और उपधातु तीन प्रकार की धातु होती हैं, तो इनको जो है एक साथ भी रखा गया है, पता चला अधातुओं के बीच में आपकी धातु भी है, धातु के साथ में कोई अधातु भी आ जाए, तो इस प्रकार से भी रखे गए हैं कुछ, तो ये बहुत सारे दोष हैं। तो जो ये आधुनिक आवर्त जो नियम था वो हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं नया प्रश्न। तो हमारा जो नया जो प्रश्न है वो लिखेंगे सभी, हमने आपको पहले बता चुके हैं इसका आंसर जो। तो प्रश्न है बच्चों, मेंडलीव के आवर्त नियम में मोसले ने
क्या संशोधन किया, मेंडलीव के आवर्त नियम में मॉसली ने क्या संशोधन किया। तो बच्चों हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्या संशोधन किया था मेंडलीव ने, बच्चों जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी थी बच्चों परमाणु भार पर आधारित, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। और जो हमारे मॉसले साहब थे, मॉसले अंकल, इनकी आवर्त सारणी थी बच्चों परमाणु क्रमांक पर आधारित। बस ये नाम इतना सुधार किया था और बाकी का सेम था सर, ठीक। ये दोनों में अंतर है, आपको ये ध्यान रखना है। तो उत्तर लिखेंगे सभी, मॉसले ने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर, मॉसले ने परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का प्रयोग किया। मॉसले के अनुसार इनका जो नियम था बच्चों को भी लिख देंगे यहीं पर, मॉसले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन बच्चों सभी इस प्रकार से लिखेंगे, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब निश्चित अंतराल के बाद फिर से उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति, ठीक। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद तो दोबारा से वही गुण आने लगते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तो निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इतना बच्चों ये प्रश्न को लिखने के बाद ये प्रश्न भी आपका पूरा। अब इसके बाद बच्चों बनाते हैं हम नया प्रश्न, और नया प्रश्न है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। अथवा का प्रश्न लिखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो सही बच्चों उत्तर डालेंगे और लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को निम्न चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, एस ब्लॉक के तत्व। नंबर दो, पी ब्लॉक के तत्व, आप लिखते जाएंगे बच्चों यहां पर। तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व, और चौथा है एफ ब्लॉक के तत्व। बच्चों ये सभी लेटर जो हैं वो स्मॉल हैं, आपको पूरा लिख लेना, पी ब्लॉक के तत्व, एफ बी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ये सभी स्मॉल लेटर हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर चार ब्लॉकों में तत्वों को जो है बांटा गया है, और ये इनके नाम है। अब बच्चों हम इनको सबको एक एक करके इनकी परिभाषा और इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, और इनको हम बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे और इनको समझेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज। धन्यवाद।